नमस्कार, बड़ी बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कल हरियाणा सरकार के चार बड़े मंत्रियों की गुपचुप बैठक होती है और पूछा गया तो बोले कोई बात नहीं हुई। आज सीएम ने डिनर के लिए सभी विधायकों को बुलाया और पूछा गया तो बोले कोई बात नहीं। चलिए मान लिया कोई बात नहीं, लेकिन हम तो मान लेंगे जनाब, पर ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई। तो ना तो हरियाणा में सब कुछ ठीक चल रहा है और ना ही हरियाणा सरकार में सब कुछ ठीक है। एक बार फिर से सरकार के कुछ मंत्रियों ने बगावती सुर अपनाने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को भी सूबे के चार बड़े मंत्रियों ने आपस में बैठक की। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद किसी भी मंत्री ने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने या कहने से इनकार कर दिया, लेकिन बीते दिनों हरियाणा दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के दौरे के दौरान कुछ मंत्रियों ने अपनी अनदेखी किए जाने की शिकायत की थी, ये खबरें सामने आई। इस बैठक को भी उसका अगला कदम माना जा सकता है। एक और जहां हरियाणा की मनोहर सरकार मिशन 2019 की तैयारियों में लगी है, तो ऐसे में मनोहर सरकार के कुछ मंत्री फिर से बगावती सुर अपना रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले हाल ही में हरियाणा दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी कुछ मंत्रियों ने सीएम मनोहर लाल की शिकायत की थी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी हरियाणा के दबंग मंत्री अनिल विज और सीएम मनोहर लाल के बीच हुई तल्खी भी किसी से छुपी नहीं है। अब एक बार फिर से मनोहर सरकार के मंत्री अपनी अनदेखी को लेकर अगली रणनीति बना रहे हैं। मंगलवार की शाम को हरियाणा सचिवालय में आम दिनों की तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन शाम होते होते एकाएक सूबे के चार दिग्गज मंत्री एक साथ कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के कार्यालय में पहुंचे। हालांकि इस दौरान कृषि मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। जी हां, इन मंत्रियों में हरियाणा के दबंग मंत्री अनिल विज, उद्योग मंत्री विपुल गोयल और शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा शामिल थे। बैठक करीब पौने दो घंटे तक चली। इस दौरान कृषि मंत्री के कमरे के बाहर लाल रंग का बल्ब चलता रहा। इसका मतलब साफ है कि मंत्री जी के कमरे के भीतर कोई गंभीर मंथन चल रहा है। आखिर क्यों हरियाणा के इन चार दिग्गज मंत्रियों को देर शाम के समय एक साथ मीटिंग करनी पड़ी, जबकि पूरा दिन ये चारों मंत्री सचिवालय में ही मौजूद थे। सूत्रों की माने तो ये चारों मंत्री सीएम मनोहर लाल से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में साफ है कि ये अपनी अगली रणनीति बनाने को लेकर ही एकजुट होकर मीटिंग कर रहे थे। हरियाणा के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी कुछ मंत्रियों ने सीएम मनोहर लाल की शिकायत की थी। क्योंकि इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी शामिल थे, तो हमने अनिल विज से ही ये सीधा सवाल पूछा। चलिए आपको भी सुनाते हैं कि सीएम साहब की शिकायत को लेकर विज साहब ने क्या जवाब दिया। मीटिंग में बिल्कुल नहीं बोला मुझे अपना बताएं। मीटिंग में बिल्कुल नहीं बोला मुझे अपना बताएं। मीटिंग में बिल्कुल नहीं बोला मुझे अपना बताएं। अरे आपने सुना, दबंग मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कहा। नहीं तो चलिए आपको दोबारा से सुनवाते हैं कि सीएम की शिकायत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कहा। मीटिंग में बिल्कुल नहीं बोला मुझे अपना बताएं। बस छपा क्या है वो छापने वाला जाने। मैं कुछ नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैंने कोई बात नहीं की। अब वो गलत है, नहीं वो सारा गलत है, गलत लिखा हुआ, मैं तो बोला ही नहीं। तो सुना आपने सीएम की शिकायत को लेकर किस प्रकार से कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। उनके इस जवाब का मतलब साफ है कि विज साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो सीएम साहब की शिकायत नहीं की, लेकिन किसी और ने जरूर की है। लेकिन फिर वो कौन है, इस बारे में बताने की बजाय ही वो इसे लेकर गोलमोल जवाब दे गए। हरियाणा बीजेपी में इससे पहले भी कई बार बगावत के सुर उठ चुके हैं और अब चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार से बगावती सुर उठना कहीं न कहीं संगठन के साथ सरकार के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। खैर, अपने मंत्रियों के इन बगावती सुरों को देखें तो सीएम मनोहर लाल ने तुरंत सभी मंत्रियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया है। रात्रि भोज के बहाने ही कहीं न कहीं सीएम नाराज चल रहे विधायकों को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी अनिल विज के नाराज होने पर सीएम मनोहर लाल ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए ही उन्हें मनाया था। खैर, इस मामले में सीएम ने पूरे मंत्रिमंडल को बुलाया है, क्योंकि सीएम अपनी ओर से ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन सीएम साहब ये पब्लिक है, सब जानती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार में चल रहे इन बगावती सुरों को लेकर पार्टी हाईकमान क्या कदम उठाती है।
चंडीगढ़ से खबरें अभी तक के लिए कुमार रमेश के साथ भारत भूषण शर्मा की रिपोर्ट। तो चार बड़े मंत्रियों के एकांत बैठक ने सरकार के साथ साथ पूरे सूबे की सियासत को हिलाकर खड़ा कर दिया है कि आखिर परेशानी कहां है। इस पर हमारे संवाददाता कुमार रमेश ने बैठक में शामिल हुए उद्योग मंत्री विपुल गोयल से खास बातचीत की। विपुल गोयल ने सीएम की ओर से रात को दिए गए डिनर की बात स्वीकार कर ली है कि हां डिनर के लिए बुलाया गया है, डिनर पर जाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी बैठक को अनौपचारिक बैठक कहा है। गोयल ने कहा कि वो सभी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए थे, बैठक की गई थी। बैठक के बाद सरकार हिल गई और सभी को बुला लिया डिनर पे, क्योंकि कल से पहले तो प्रस्तावित कोई डिनर था नहीं। सर, कौन सी सरकार हिल गई और कौन सा हमारी मीटिंग के बाद? कल आप लोगों ने, चार लोगों ने बैठक करी, उसके बाद सीआईडी की रिपोर्ट्स के। भाई, सीआईडी की रिपोर्ट और बैठक, सीआईडी भी हमारी, सरकार भी हमारी, मंत्री भी हमारे, कोई बात होगी, कोई काम होगा, कोई वार्तालाप होगा तो आपस में डिपार्टमेंट और एक पॉलिसी के इशू पर हम लोगों ने, जो कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है, कि धनखड़ जी और सभी के उसमें व्यू लेने के लिए वहाँ पर थे। और मंत्रियों का मिलना जुलना तो हम अक्सर मिलते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो इसलिए सब बातें कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ विपुल गोयल, जो साफ तौर पर कह रहे हैं रात को 8 बजे डिप्लोमेसी डिनर में पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से और भी विषयों पर बातचीत करेंगे। कैमरामैन गुरमेल के साथ कुमार रमेश, खबरें अभी तक, चंडीगढ़। तो डिनर का भी एक और समय हो चुका है और इसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, खास पैनल मेरे साथ है। हालांकि बीजेपी से सवाल करने थे, बीजेपी की ओर से इस विषय पर कोई नहीं आया हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ रंजीता मेहता चर्चा में, साथ ही इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन रोगिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादू हैं हमारे साथ। हम विश्लेषण करने की कोशिशें करेंगे, साथ ही ये भी जानने की कोशिशें करेंगे कि इस पूरे विषय को, इस पूरी हलचल को विपक्ष कैसे देखता है। स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे अत्री साहब आपसे, क्या लगता है, कल भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि अचानक एकांत बैठक बुलाने की नौबत कैसे आई और उसके बाद एकाएक ये डिनर आमंत्रित किया गया सीएम की ओर से। देखिए ज्योति, आपने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में ही ये बात बोल दी थी कि ना तो हरियाणा में सब कुछ ठीक है और ना ही हरियाणा सरकार में जी। और यही वजह है कि ये जो इस तरह की बैठकें होती हैं या विधायकों द्वारा सरकार के कामकाज पे सवाल उठाए जाते हैं, चाहे विधानसभा में कहें या मीडिया में जी। और विधायकों द्वारा या मंत्रियों द्वारा अपने पार्टी के प्रभारी के सामने मुख्यमंत्री की शिकायत करने की बात करें या इस तरह की मीटिंगों में चर्चा की बात करें, सबके पीछे कारण एक है कि हरियाणा में ठीक नहीं चल रहा, सरकार में तो स्वाभाविक है कुछ भी ठीक हो भी नहीं सकता अगर प्रदेश में ठीक नहीं है। और उसका एक बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि जिस तरह से पिछले 3.5-4 साल का जो कार्यकाल प्रदेश सरकार का रहा है और उस 3.5-4 साल के कार्यकाल में जिस तरह से प्रदेश को गर्त की तरफ धकेला गया गलत नीतियों और पॉलिसीज की वजह से, आपने देखा किस तरह से 3 साल के अंदर 3 बार प्रदेश जला जो अलग अलग 3 कारणों की वजह से, आपने देखा किस तरह से कानून व्यवस्था के इतने बुरे हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं कि ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बेटी सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना कर्मचारी सुरक्षित है। आपने ये भी देखा कि किस तरह से जब इन्होंने चुनाव लड़ा और जो वायदे प्रदेश की जनता से किए थे, जिन वायदों को करके वोट लिया था, उन वायदों को पूरा करने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, ना ही उनकी तरफ मुड़ के देखा गया। और जिस तरह से बार बार सरकार की तरफ से एक बात हमेशा कही जाती रही कि प्रदेश में निवेश हो रहा है, बाहर से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन जब मीडिया के जरिए इन चीजों का खुलासा होता है कि जो ये निवेश के दावे हैं ये सरकार के सरासर झूठे हैं, तो इस तरह का जो माहौल प्रदेश के अंदर बना हुआ, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक या मंत्री, यूं कहिए कि एक असुरक्षा की भावना राजनीतिक रूप से उनके मन में घर कर गई, उनको ये समझ में आना शुरू हो गया कि अब हालात इस तरह के हैं कि आप जनता के बीच में जाके वोट मांगने की स्थिति में नहीं है, आप जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। तो जब इस तरह की असुरक्षा की भावना घर करती है मन में, तो स्वाभाविक है जो नेतृत्व है उसके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। जो आज मुख्यमंत्री मंत्री जी से नाराजगी अगर मंत्री प्रकट कर रहे हैं, विधायक अगर उनकी शिकायत कर रहे हैं, सरकारी कामकाज पे अगर विधायक, इनके विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं, और तो और इन्हीं के अपने विधायक सरकार के भ्रष्टाचार को भी उजागर कर रहे हैं, जैसे गुड़गांव के विधायक ने बिजली मीटर खरीद घोटाले की जिक्र किया, जिस तरह से शिक्षा विभाग में बेंचेस की खरीद के घोटाले का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं वो जो असुरक्षा का भाव वो इनको प्रेरित कर रहा है। हालांकि कांग्रेस के अपने मतभेद हैं, लेकिन सरकार में इस तरह से एकांत बैठक के चार बड़े मंत्री करें और उसके बाद एकाएक डिनर भी बुला लिया जाए, कांग्रेस को इसके क्या मायने समझ आते हैं? देखिए ज्योति, जो भाजपा सरकार है इनके तो चार ही काम है, चिंतन, मंथन, भोजन और आयोजन। ये इसमें इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि इनको ना तो प्रदेश की खबर है और ना ही जनता की सुध है। जब जब मैं ये समझती हूँ कि आरएसएस कैडर, जो कि भाजपा का एक मेन वो माना जाता है, उनका दबाव के चलते किसी भी प्रदेश के अंदर अगर किसी सीएम को थोपा जाता है, जैसे कि खट्टर साहब को यहाँ थोपा गया था, तो इसी तरीके के हालात जो है वो प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। आप ये देखेंगे कि पिछले अब 4 साल इनके पूरे होने जा रहे हैं, जिस प्रदेश के अंदर 4 बार डीजीपी बदल दिया जाए,
जिस प्रदेश के अंदर चार बार होम सेक्रेटरी बदल दिया जाए तो वो प्रदेश कैसे चल सकता है। आपकी सरकार मायने बदला बदली की सरकार बन गई है। जब भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, आप फटाफट से आनन फानन में इधर से उधर जो है अधिकारियों को पटक देते हैं कि आपको लगता है कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो सीनियोरिटी बेसिस के ऊपर जो जो ऑलरेडी इनके मंत्री थे, चाहे हम सबसे बड़ी एग्जाम्पल विस साहब की ले लेते हैं, वो 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका 2 तजुर्बा सीएम साहब से कहीं कहीं ज्यादा है, विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आज अगर सीनियोरिटी में अगर मंत्रिमंडल में देखा जाता है तो 5वें नंबर पर रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अंदर की नाराजगियां हैं, क्योंकि काम तो असंतोष है किसी तरह, बिल्कुल अंदर के काम तो कोई हुए नहीं है। आज जनता जब इनसे सवाल पूछती है तो कहीं ना कहीं जो ठीकरा है वो सीएम साहब के सिर पे फोड़ कर जो कहीं ना कहीं मंत्री और विधायक जो है वो बचने की कोशिश करते हैं और बार-बार अपनी नाराजगी। बीजेपी से जवाब ले लेंगे। संजय आहूजा है हमारे साथ, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े हैं। आहूजा साहब स्वागत है आपका बड़ी बात में। जिस तरह से एकांत बैठक की जाती है, चार बड़े मंत्री एकाएक बैठक करते हैं, उसके बाद सीएम साहब को डिनर बुलाना पड़ता है, क्या सब कुछ ठीक है सरकार में? तौर पर सब कुछ ठीक है, मुझे ये नहीं समझ आती। हेलो जी बताइए। मुझे ये नहीं समझ आती विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं क्या? सरकार को मंत्री आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट के साथ भोजन नहीं कर सकते, विपक्ष के पास और कुछ है क्या? इनका एक्सपीरियंस सिर्फ भ्रष्टाचार का है। संजय जी, जहां आग लगती है धुआं वहीं से निकलता है, आग आपके भीतर लगी हुई है और धुआं जो है पूरे हरियाणा में फैल रहा है, तो विपक्ष बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। विपक्ष तो रोज ही आपको घेर रहा है, आपने कोई मुद्दा छोड़ा है जिसमें विपक्ष आपको ना घेरे? आज आपने ये मुद्दा भी दे दिया कि आपके विधायक जो है चुपके चुपके सुन लेते हैं उनका जवाब फिर बोलेंगे। बताइए आज साहब। ज्योति जी, धुआं तो कांग्रेस में कितना उठ रहा है ये जनता जानती है, और जनता मैंने कितनी बार आके आपके चैनल नहीं, देखिए सरकार तो जनता की है ना, जनता इसको भी समझना चाहती है सर, पब्लिक ये भी जानना चाहती है क्या सरकार में सब ठीक है, क्या बड़े मंत्री एकदम इस तरह से मिलते हैं, पूरा दिन भी वो लोग साथ थे। सुनिए एक बार के लिए, बैठक जिस तरह से होती है उस पूरे एपिसोड को अगर देखा समझा जाए, एकाएक वो लोग मिलते हैं, लाल बत्ती जला के रखी जाती है, उसके बाद मीडिया जब पूछना चाहे कि क्या था इस बैठक में, क्या रहा, इतना तक नहीं कहा जाता कि अनौपचारिक बैठक थी या किसी मसले को लेकर जिक्र किया गया, चर्चा की गई, अगले दिन इस बात का जवाब दिया जाता है कि अनौपचारिक बैठक थी। बताइए बात का जवाब देने वाला हूँ, आप बीच में बात काटते हैं, पूरी बताइए कि मंत्री आपस बैठ के विषय में करते, मुख्यमंत्री आप कैबिनेट नहीं जा सकते, और जनता की बात कर रहा हूँ कि जनता सही है तो 2000 रुपए हम अपना जो आता है। चलिए आपकी आवाज कम मिल पा रही है, एक बार फिर से आपसे सवाल करेंगे। अत्रे साहब, ये सरकार के अंदर का मामला है, मंत्री मिल सकते हैं, सीएम भी डिनर पे बुला सकते हैं, इस पे विपक्ष नहीं बोल सकता? देखिए सरकार के अंदर का मामला है ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह सकते हैं, लेकिन इनको एक बात समझना बहुत जरूरी है जो शायद ये समझ नहीं पा रहे। जब भी सरकार में इस तरह के मतभेद होते हैं, जब भी सरकार के विधायक या सत्ता पक्ष के विधायक या मंत्री ये बात कहें कि अफसर हमारी नहीं सुन रहे या अफसरशाही हैवी है, तो कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज प्रभावित होते हैं, और जब सरकार के कामकाज प्रभावित होते हैं तो उसका असर सीधा सीधा प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ता है। और जनता को सरकार के अंदर इस तरह की जो झगड़ा या यूं कह लीजिए जो इस तरह का मन मुटाव है, उसका जो दुष्प्रभाव है प्रदेश की जनता पे पड़ता है, और प्रदेश की जनता को उस दुष्प्रभाव को भुगतना पड़ता है। ये वजह है कि हमें इस बारे में बात करना जरूरी लगा। देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह देते हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए जहां तक मुद्दों की बात है तो 154 मुद्दे तो आपने अपने घोषणा पत्र के हिसाब से वायदे करके दिए हुए हैं, उसके अलावा आपने प्रदेश को इतने बड़े विपक्ष को मुद्दे जो दे रखे, आपने 3 बार प्रदेश को जला दिया, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, किसान सड़कों पर, मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि साहब जब आप जिस सत्ता पक्ष अगर अपनी सरकार को मुख्यमंत्री जी सही नहीं चला सकते, या मंत्री अगर मुख्यमंत्री जी से नाराज है, या अगर विधायक अपने ही मुख्यमंत्री की शिकायत है। करते हैं तो विरोधाभास है, इसका असर प्रदेश की जनता पे पड़ता है। नहीं है तो आम पब्लिक जो है, आम आवाम जो आम आवाम है उसके ऊपर असर पड़ेगा, आवाम के काम नहीं होते हैं, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। राजीव रंजन जी, क्या मायने निकाले जाए इस पूरे ही एपिसोड के? देखिए ज्योति जी, एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जब सरकार आई तो ये सरकार कुछ इंटरनल कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम के साथ ही एग्जिस्टेंस में आई। भारतीय जनता पार्टी जब पावर में आई, जब मनोहर लाल खट्टर जी को इन्होंने चुनाव लड़ाया पहली दफ़ा, और उनको यह कह करके चुनाव लड़ाया गया था अगर हमें मेजॉरिटी मिलती है तो आप हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, और जब जो सीनियर लीडर्स थे बीजेपी को उनको साइडलाइन किया गया। शुरुआत चूंकि मेजॉरिटी इनको इतनी काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला तो शुरुआत के दिनों में सब चीज़ ठीक रहा, हालांकि विज साहब ने अपनी जो विरोध है
और अपना डिससेटिस्फेक्शन उन्होंने इसको बीच बीच में लोगों से शेयर करते रहा, पार्टी हाईकमांड को ही बताया, लेकिन चूंकि सेंट्रल लीडरशिप की इंटरवेंशन की वजह से वो मामला शांत होता रहा। अब होता क्या है कि जब आपके साथ कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं और इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं जिसमें कि कैडर्स आपके साइडलाइन फील करते हैं, जो टर्न कोट्स हैं, जो तुरंत आपके साथ जुड़े हैं उनके बड़े ओहदे मिल जाते हैं, तो और आप डिसिप्लिन के नाम पे उनको सप्रेस करते हैं, तो चुनाव के वक्त ये सारी बातें फिर सामने आने लगती है। और यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, अगर हम उनके एक एक्सपीरियंस एक एमएलए के रूप में देखें तो विज साहब थे। विज साहब के साथ क्या हुआ वो सबको पता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ज्योति जी आपने यह भी ऑब्जर्व किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार हरियाणा में आई है जिनका कोई एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, इस बात का भी एक रॉन्ग मैसेज गया। देखिए क्रिटिकल सिचुएशंस में कभी डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई मंत्री आगे नहीं आते हैं, कभी जूनियर मिनिस्टर को ले आते हैं, और जबकि बकायदा ऐसा होता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, जो आप नेशनल लेवल पे जो स्पोक्स पर्सन का काम, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, डेजिग्नेटेड होता है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें एन वक्त पे बड़ी प्रॉब्लम्स का फॉर्म ले लेती है। जब आप वीक होते हैं, स्वीकार्यता होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं बन पाई। देखिए सीएम को जो चांस मिला उसका पूरा उनको उपयोग करना चाहिए था कि लोगों को विश्वास में लेने का, लेकिन मंत्रियों की ये शिकायत है कि वो उनके विभागों में भी इंटरफेयर करते हैं जी। तो इस तरह से लगता है कि वो सभी क्षेत्रों में और अपने को एक सर्वव्यापी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हाँ। कुल मिलाकर समस्या की जड़ यही है, लेकिन तमाम उनके नेताओं ने जो चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बजाय जहाँ जहाँ हाईकमान होता है वहाँ इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं कि हाईकमान किसी भी नेता को थोप देता है और मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर देता है। तो ऐसा ही यहाँ हुआ, तो ऐसी स्थिति में मंत्रियों ने उनको स्वीकार तो कर लिया, जो सीनियर लीडर थे एक बार असंतोष व्यक्त करने के बाद उनको स्वीकार कर लिया, लेकिन वो उनके जो रोजमर्रा के कामकाज हैं, विभागीय कामकाज हैं, उनमें भी अगर वो दखल कर रहे थे। कई बार ऐसी स्थिति आई कि विज साहब के डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्यक्रम था और उसमें कार्यक्रम का जो मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। हाँ। इससे बदतर स्थिति क्या होगी? मैं समझता हूं कि ऐसी किसी भी एक अच्छे नेता को ऐसी स्थिति पैदा करने से बचना चाहिए जी। तो यह है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दौर है और लोकतंत्र का टाइम है, तो आप किसी बात पर यह सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि ये तो हमारा इंटरनल मामला है और आप चर्चा क्यों कर रहे हो। लोकतंत्र में तो हर पहलू पर चर्चा होगी, तो इसलिए जो चर्चा करना भी वाजिब है और उसको जवाब भी देना चाहिए। पार्टी के भीतर लोकतंत्र की कमी है, हाईकमान की ओर से थोप दिए जाते हैं नेता या फिर बड़ी कुर्सियों के लोग, जो कि जादून साहब की ओर से कहा गया। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि मुख्यमंत्री को थोपा गया या लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया, ये तो इस बारे में तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात मुझे अभी जिस तरह से जादव साहब ने कहा तो मुझे एक उदाहरण दूंगा आपको। गुड़गावा में सरकार के शुरुआती दिनों में एक प्रोग्राम था सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। हाँ। उस वक्त एक चर्चा में रामविलास शर्मा जी जो के शिक्षा मंत्री हैं, जिनका ये कर्तव्य है बेटी को पढ़ाने का, जिनको ये कार्यभार दिया गया, वो मेरे साथ चर्चा में थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि शर्मा जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम है और वहां पे जितना भी एडवर्टीजमेंट मटेरियल लगा है, बोर्ड लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, कहीं पे ना तो उस मंत्री की फोटो है जिसकी जिम्मेदारी बेटी को बचाने की है, मतलब अनिल विज साहब, और ना ही उस मंत्री की फोटो है जिसकी जिम्मेदारी बेटी को पढ़ाने की है, रामविलास शर्मा जी आप खुद, क्या कारण है इसका? तो शर्मा जी का उत्तर था कि शायद हम लोगों ने दोनों ने दाढ़ी रखी हुई है और इसलिए उनको दाढ़ी वाली फोटो अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बोला कि दाढ़ी तो मोदी जी ने भी रखी हुई है, फिर उनकी फोटो क्यों लगती है? तो शर्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि सरकार के अंदरूनी किस तरह का हालात है, किसी ना किसी मंत्री को दरकिनार करना, किसी दूसरे मंत्री को ये मुख्य, देखिए हालांकि मुख्यमंत्री जी का अपना अधिकार क्षेत्र है कि वो इस पे किस तरह से कर, लेकिन उससे प्रदेश की जनता या प्रदेश की जनता से जुड़े कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। हाँ। ये सोचना बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से। एक बात और कहूंगा, देखिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज क्या है, बार बार सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के ऊपर ये कहा जाता रहा कि जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है, लेकिन जब विधायक ये महसूस करते हैं कि बार बार इस नारे के बावजूद हाँ। मुख्यमंत्री जी ही भ्रष्टाचारी को बचाने की बात कहें या भ्रष्टाचारी को क्लीन चिट दे दें तो विधायक कहां जाए, ये भी विधायक की समस्या होगी, मुझे ऐसा लगता है। संजय आहूजा जी, आपने सुना, पूरे ही पैनल को आपने सुना कि संतोष नहीं है, और अत्रे साहब की ओर से ये भी कहा गया कि असुरक्षा है राजनीतिक, किसी तरह का डर भी है ये अपने आप में कि मंत्री अपने मंत्रालय में अपने विभाग में उस तरह का काम नहीं कर पाए जितना की पब्लिक को उम्मीदें थी। जी बिल्कुल नहीं, इस बात का मैं बिल्कुल सिरे से खंडन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी किसी भी विभाग में इंटरफेरेंस करते हैं। और दूसरी बात, जैसे अत्रे जी ने कहा कि ये बीजेपी का इंटरनल मामला, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
हमारी जो 2014 में सरकार बनी थी, चुनाव हुए थे, तो उसमें किसी की पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था। और आज हमने कितनी बार ये कह दिया कि हमारा जो अगला चुनाव होगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में होगा। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर ये बात कहने से हमारे विधायक या मंत्रीगण नाराज होते तो खुल के सामने आते, और ऐसा हमारी पार्टी में ये हमारी सिस्टम नहीं। अभी जो बैठक हुई उसके बाद एकाएक जिस तरह से डिनर बुलाया गया, ये कैसे समझा जाए, इसको कैसे समझा जाए? मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जनता के सामने आकर यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक साधारण सा एक भोजन अगर कैबिनेट को दिया गया, इसका कोई विषय नहीं। और मंत्री कल, अच्छा सुनिए, अगर आप ये बात, कल मैं विपुल जी के पास 10 मिनट के लिए गया तो वो मंत्री जी से रात बैठक करके आ रहे थे, किसी विषय पर चर्चा करके आ रहे थे किसी अपने डिपार्टमेंट की। जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, ये तो नोटिंग होगी। रंजीता जी, क्या साधारण माना जाए इसे, जो कि बीजेपी को लगता है बहुत साधारण? ज्योति, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जब मोदी जी सेंटर में आए थे, इनको जरा प्लीज कहें कि आपने मेरे से सवाल किया है, सुनिए एक बार के लिए। सब आप देखिए कि जब मोदी जी सेंटर में आए थे, एकाक जो था, जितने भी उनके वरिष्ठ जो मंत्री या वरिष्ठ नेता कहलवाते थे, चाहे वो अडवाणी साहब थे, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी थे, चाहे वो जितने भी अटल बिहारी वाजपेयी दिग्गज नेता कहलाते थे, सबका नाम और सबका पोस्टर में से फोटो एकाएक उड़ गया था। उसी पैटर्न के ऊपर खट्टर साहब को सिखाया गया था कि हरियाणा के अंदर आपने, आपकी जब बारी आएगी संजय हूजा जी आप बात कीजिएगा, जब आप बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोल रही, और अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। अगर आप बोलेंगे बीच में, और जब आप बोलेंगे तो मैं बीच में बोलने नहीं दूंगी। एक एक करके बोलेंगे, डिबेट नहीं चलेगी, एक एक करके बोलेंगे। अब ये देखिए कि उसी तरीके से खट्टर साहब ने आते ही निर्देश दिए, चाहे कोई भी आयोजन हो रहा था, चाहे किसी भी विभाग का आयोजन हो रहा था, किसी भी विभाग का रिबन कट रहा था, सिर्फ और सिर्फ फोटो जो दिखाई जा रही थी वो सीएम खट्टर की दिखाई जा रही थी। आज ये हालात हो चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी को एक प्राइवेट एजेंसी हायर करनी पड़ती है अपनी सिर्फ इमेज बिल्डिंग के लिए। आज लोगों की गाड़ी कमाई का, टैक्स पेयर का पैसा उस कंपनी को पे किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इमेज बिल्डिंग की जाए, उनके ऊपर गाने बनाए जाए, उनकी एड जो है ना केवल हरियाणा के अंदर बल्कि हिमाचल में और बाकी स्टेट्स में भी दी जाए। तो अगर ऐसा मुख्यमंत्री जिसको इमेज बिल्डिंग के लिए एक कंपनी हायर करनी पड़ जाए, उससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश का क्या हो सकता है? आप भाजपा के हालात तो देख लीजिए, इनके मंत्री कितने असंतुष्ट हैं। अब राजकुमारी सैनी जो है वो खुलेआम इनकी हर चैनल पर, हर जगह पर खिलाफत करता है, उसके बावजूद किस लिए ढो रहे हैं आज तक? ये आज तक इन्होंने उसको अपनी पार्टी से बाहर नहीं निकाला, आज तक इन्होंने उसके मंत्रिमंडल से नहीं हटाया, तो कहीं ना कहीं साफ नजर आता है मंत्रिमंडल में हालांकि नहीं है वो। आगे बढ़ेंगे चर्चा में। राजीव रंजन जी, क्या लगता है आपको, किसी तरह का डर है सरकार के अंदर सीएम की बात कर ली जाए, जिस तरह से डिनर वो बुलाती है, क्या डिनर डिप्लोमेसी के जाने की कोशिश है? नहीं, देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो पॉजिटिव पहलू यह है कि चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए अपने सहयोगियों से, उनका अगर कोई कंप्लेंट है, उनके कोई ग्रीवांसेस हैं तो उनको बातचीत करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में आप देखिए, पिछले गवर्नमेंट में भी हुडा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव वगैरह, इनकी बातें होती रहती थी और वो लोग विरोधाभास होता था, स्टेटमेंट इस प्रकार के देते थे, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है क्या कि जैसा कि मैंने कहा, इस गवर्नमेंट में एक ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। वो ये है कि चूंकि आप जब आप सत्ता में आए तो अपने जो लोग हैं, अब हायरार्की को आपने कॉम्प्रोमाइज किया, सीनियोरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, तो उसका कहीं ना कहीं रिपर्कशंस बाहर आता है। और ये जो अभी हो रहा है, और अगर इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी मेरिट है तो ये और मामला आने वाले दिनों में कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है, ये उतना आसान नहीं है। ये प्रॉब्लम पॉलिटिक्स में इस प्रकार आती है, जाती नहीं है। ये मुझे लगता है एक शुरुआत है, और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर भी बहुत ही सेंसिबल तरीके से इसको हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी इस प्रकार के कुछ प्रॉब्लम्स पे बातें बाहर नहीं आई, लेकिन अब भी ऐसा है तो इसे तरह से माना जा सकता है कि कई बार इस तरह की चीजें हुई, एक बार फिर से दोहराई गई। हालांकि हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष क्या कहते हैं इस मामले को लेकर, बैठक जो हुई उसको लेकर, और साथ ही डिनर जो बुलाया गया है उसको लेकर, वो एक बार के लिए सुने। देखिए, जब कोई विधायक से मिलते हैं, कोई पदाधिकारी से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, इसके अर्थ कोई दूसरी पार्टी के कोई इस प्रकार के समूह मिलते हों तो नकारात्मक लिए जा सकते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, वो प्रदेश की भलाई के लिए मिलते हैं, वो किसी की बुराई के लिए नहीं मिलते। और
चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी की बैठक की बात हो या हमारे मंत्रीगणों के मिलने की बात हो, ये सामान्य और सहज प्रक्रिया का हिस्सा है। ये विपक्ष को भी पता है और इस बात का मीडिया को भी पता है कि हर सप्ताह एक दिन अनौपचारिक मंत्रिमंडल की बैठक होती है, वो कभी दिन में हो जाती है, ज़्यादातर दिन में होती है। आज वो दिन में समय नहीं था, कई प्रकार के कार्यक्रम थे, जैसे आपने देखा जिलों की भी बैठक, इसमें आज चार जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, विधायक उसमें थे, मंत्रीगण जो इसमें आते हैं इन चार जिलों में वो भी इस बैठक में थे, तो उस समय संभव नहीं थी। तो आज अब रात के भोजन के वो समय वो बैठक रखी गई है, इसलिए सामान्य बैठक है, इसमें कोई दूसरी प्रकार का अर्थ मुझे नहीं लगता इसमें से कोई निकालना चाहिए। अत्रे साहब, अनौपचारिक बैठक है ये, डिनर नहीं है, अपने आप पे डिनर डिप्लोमेसी कतई नहीं। बॉडी लैंग्वेज ब्राला साहब ने बड़ी हंसी-बसी बात कही, कहते जी अगर पदाधिकारी पदाधिकारी से मिलते हैं, विधायक विधायक से मिलते हैं और मंत्री मंत्री से मिलते हैं, लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि पदाधिकारी पदाधिकारी से अगर संगठन की बैठक में मिलते हैं, मंत्री से मंत्री अगर कैबिनेट की मीटिंग में मिलते हैं और विधायक से विधायक अगर विधायक दल की बैठक में मिलते हैं तो वो शायद सामान्य है। लेकिन ये सब ना होके अगर मंत्री और मंत्री आपस में लेट इवनिंग को कमरे में बैठ के गुफ्तगु करते हैं तो सवाल उठने लाजमी है। बराला साहब को ये बात समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से जो उद्योग मंत्री है विपुल गोयल, उन्होंने एक तर्क दिया था जब आपके जो संवाददाता, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि फूड प्रोसेसिंग की कोई पॉलिसी थी जिसपे डिस्कस कर, मुझे हैरानी होती है, रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री है, उनका फूड प्रोसेसिंग से क्या लेना देना था, उनसे क्या सलाह ली जा रही थी वहां पे। तो कहीं ना कहीं तर्क भी जो है कुतर्क की शेप में दिया जा रहा है और यही कारण है कि सवाल मीडिया ज्यादा पूछ रहा है और इसके जवाब जो है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नहीं है और इसलिए उनको अर्नगल बयानबाजी करना भी मजबूरी है। दर्शकों को दे देते हैं, डिनर के लिए पहुंच चुके हैं और बैठक में चारों मंत्री भी उपस्थित हैं जिनकी बैठक को लेकर यह विषय आज अपने आप में बड़ा हो गया है कि क्यों इस तरह से डिनर की नौबत इस तरह से आन पड़ती है, जबकि बैठक की गई, एकाएक बैठक की गई, उसके बाद डिनर बुलाया जाता है, हालांकि अनौपचारिक बैठक का उसे नाम दिया गया। तो डिनर बुलाया गया है, क्या डिनर के पीछे किसी तरह का डर है, जो बैठक हुई क्या वो कारण है, या फिर जिस तरह से सरकार कह रही है कि कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक है सिर्फ उतनी ही बात है। चर्चा कर रहे हैं एक खास पैनल के साथ, हालांकि चारों मंत्री पहुंचे हैं, ये राहत की बात हो सकती है अत्रे साहब सरकार के लिए। नहीं देखिए, ऐसा है कि सीएम साहब ने डिनर पे बुलाया है तो डेफिनेटली मंत्री तो पहुंचेंगे अगर सीएम साहब बुला रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरह के हालात सरकार के अंदरूनी बने हुए हैं वो चिंता का विषय है प्रदेश के लोगों के संदर्भ में। देखिए भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मैटर्स क्या है वो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय क्या है कि प्रदेश की जनता इनकी इस तरह की खींचतान से प्रभावित होती है, उनके काम प्रभावित होते हैं, प्रदेश की जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। आपने देखा पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, आपने देखा अमित शाह जी की रैली जींद में हो रही थी तो पूरी की पूरी सरकार जींद में बैठी हुई थी, चिंतन शिविर लगाया परवानु में तो पूरी की पूरी सरकार परवानु शिफ्ट हो गई थी। तो जो इस तरह के काम होते हैं उस दौरान क्या होता है, लोगों के काम नहीं हो पाते, लोग इंतजार में बैठे रहते हैं तो समय बर्बाद होता है। और पहले भी जिस तरह की कारगुजारी सरकार की रही है उस पर तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, बार बार उस पर, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है इस सरकार की नाकामियों की और उन नाकामियों के ऊपर इस तरह की खींचतान एक बड़ी नाकामी बन जाती है सरकार के संदर्भ में। जी संजय जी, आप हैं फोन लाइन पर। जी, अभी विपक्ष को लगता है कि नाकामियां सरकार की बहुत सारी है पहले से, इस तरह से अगर मंत्रियों में और सरकार में मतभेद मनभेद होंगे वो भी पब्लिक पर ही भारी पड़ेगा। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, अत्रे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाजपा की इंटरनल कुछ भी है मैं उसे कुछ नहीं लेना, लेकिन जनता के काम काज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मंत्री हैं वो अपने विभाग की विचार विमर्श करने के लिए आपस में इकट्ठे हुए, और ये जो कैबिनेट का डिनर बुलाया गया ये मुख्यमंत्री जी ने अपने उससे बुलाया। अभी आपने सवाल सुना होगा सर, शिक्षा मंत्री का क्या काम क्या होता है, अगर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी पर चर्चा की जानी होती है, चिंतन किया जाना होता है, इनेलो की ओर से सवाल किया गया था। ज्योति जी मुझे ये बता दें कि फूड प्रोसेसिंग में जो तर्क विपुल जी ने दिया फूड प्रोसेसिंग का, सिर्फ ये तो पूछ लिया क्या पॉलिसी थी, क्या वो मिड डे मील में भी आती है फूड प्रोसेसिंग, या शिक्षा विभाग में भी आता है खाने का, तो क्या ये चर्चा, ये पूरा दिया गया उसे डाटा क्या जी? संजय जी सुनिए, देखिए आप विपुल जी के, देखिए आप विपुल जी के कुतर्क को डिफेंड कर रहे हैं वो आपका काम है, लेकिन आप भी जानते हैं
कि शिक्षा मंत्री का फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, विपुल जी ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए तर्क दे दिया कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी पे वो डिस्कस कर रहे थे। संजय जी सुनिए, एक और चीज, एक बात रखना चाहूंगा मैं। संजय जी एक बात और सुनिए, दूसरी चीज, अगर आपके चार मंत्री बिना कैबिनेट मीटिंग के, चाहे औपचारिक थी या अनौपचारिक थी, बिना किसी कैबिनेट मीटिंग के चार मंत्री बंद कमरे में बैठ के कुछ भी विचार विमर्श करें, चाहे वो चाय पी रहे हैं, तो बाहर मीडिया को आके बताने में किस बात का संकोच? अगर वो संकोच होता है तो मतलब दाल में कुछ काला है। संजय जी आपको मानना पड़ेगा, जानकारी मिल जाती है कि किस विषय पर क्या चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त कोई जानकारी मंत्री जी के पास भी नहीं थी, कुछ भी उनके ओर से नहीं कहा गया। आहूजा जी देखिए, ज्योति जी मुझे 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 इतना वो मतलब अजीब सा लग रहा है कि चार मंत्री बैठे, एक मंत्री ने, मंत्री जी से आपने ये पूछ लिया विपुल जी आप किस विषय पर बैठे, तो उन्होंने बता दिया, तो इसके बाद तो कोई विषय रह ही नहीं जाता जी। और तर्क क्या थे वो? हाँ? और किसी क्लेरिफिकेशन की क्या जरूरत है मुझे? संजय जी शायद विधायकों की नाराजगी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए सीएम साहब ने सबको डिनर पे बुलाया है। आप ये देखिए कि जो ये सब कुछ करते हैं उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं होते किस जगह पे गड़बड़ है। हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री ने दो दो एडीसी रख रखी है। संजय जी आपको ये बात बताइए, जब भी मैं बोलती हूँ आप बीच में क्यों बोलते हैं? फिर आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको इतना रिगार्ड करती हूँ, अच्छा लगता है कि जब आप बोले तो मैं ना बोलूं और मैं बोलूं तो आप सुनिए। चलिए बात पूरी कीजिए। आप देखिए कि जींद की रैली हुई, अमित शाह जी आए, पूरा सरकारी तंत्र मंत्र, पूरा मंत्रिमंडल, पूरे विधायक, सबने जोर मार लिया, फ्री जैकेटें बांट ली, फ्री टोपियां बांट ली, फ्री पेट्रोल और डीजल दे दिया, बाइकें बांट दी। उसके बावजूद 10,000 बंदा जो थे ये हरियाणा के अंदर एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर पाए, उससे अमित शाह को हरियाणा की जो पिक्चर थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जमीन खिसक चुकी है और आधार खत्म हो चुका है। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जी आते हैं, वो आके मीटिंग लेते हैं और आप कह रहे हैं मुलाकात वहाँ पे मुक्कर आप भी चलती है और बुरे तरीके से वहाँ पे नाराजगी बताई जाती है कि हमारे ये काम नहीं हो रहे, हमारे वो काम नहीं हो रहे, मुख्यमंत्री जी है हमें सिर्फ साइन बोर्ड की तरह दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अंदर का रोष है और अंदर की जो असंतुष्टता जो इनके कार्य कैलाश विजयवर्गीय के सामने भी शिकायतें की गई, ऐसी खबरें आई, कहां से खबरें आई? सारे टीवी चैनल ने दिखाया, हर न्यूज़ पेपर ने दिखाया। मुझे मुझे एक बात बताइए, ये तो विपक्ष और मीडिया की उपज है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के आगे किसी एक कार्यकर्ता का मुझे वक्तव्य बता दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से हमने सवाल किया, क्या उस बैठक में शिकायतें आई थी? स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं मैंने शिकायत नहीं की। तीन बार उनकी ओर से ये सफाई दी जाती है, उनकी ओर से ये नहीं कहा गया कि शिकायत ही नहीं की गई, या किसी भी मंत्री ने या किसी भी बाकी जो लोग उपस्थित रहे बीजेपी की ओर से उन्होंने शिकायत नहीं की। बताइए अब और इसके ऊपर क्या कहेंगे कि शिकायत नहीं आई कोई भी? उन्होंने कहा मैंने नहीं की, बाकियों का मुझे पता नहीं जी। संजय आहूजा जी उनकी ओर से जो बात कही गई, कम से कम उसके मायने तो यही निकलते हैं कि मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, मैंने शिकायत नहीं की, बाकी शिकायत की गई या किसकी ओर से की गई ये मैं कुछ नहीं बोल सकता। इंटरप्रिटेशन है संजय जी, ये कांग्रेस का जो कल्चर है, जो ये कांग्रेस का कल्चर। संजय आहूजा जी मान लीजिए मैं ना मानू कहने से जो कबूतर को बिल्ली नहीं खाएगी आंखें बंद करने से ऐसा नहीं होगा। आपको सिर झुकाकर स्वीकार करना पड़ेगा कि हरियाणा में आपने अनुभवहीन सरकार को जो सौंप दी, आज हरियाणा हो चुका है। सीएम से नाराज हैं कुछ विधायक, ऐसे हैं करीब करीब 17 विधायक। नहीं देखिए, कई ऐसे विधायक हैं, उनकी शिकायतें ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट में है, ये भी कहा जा रहा है, बात तो यहाँ तक कही जा रही है और उसके एविडेंस है। कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनका की रेपुटेशन इंटायरली डिफरेंट है, उनको बड़े ओहदे पे बैठा दिया गया, ये भी एक इशू है। भारतीय जनता पार्टी के जो MLAs हैं वो प्राइवेट कन्वर्सेशन में इस बात को उठाते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स वहाँ है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, अब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के दिशा में ये सब बातचीत का जो तरीका अपनाया गया है ये है। विजयवर्गीय के सामने भी ये बातें आई हैं, अब यह बात सही है कि वो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है नहीं, तो उसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में सारी बातें प्रूफ के साथ होती नहीं है, सारी बातें किसी न कोई, अब जैसे कि इनका जो बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखते हैं, जो विज साहब का और बराला साहब का, उससे बॉडी लैंग्वेज से यू कैन मेक आउट की प्रॉब्लम है,
या एक इंटरप्रिटेशन भी होता। बीच साहब ने यह तो नहीं कहा कि नहीं किसी ने शिकायत नहीं की, उन्होंने कहा हमने नहीं की, और किसी ने कहा किया होगा तो हमें पता नहीं। इसका मतलब आप स्कोप दे रहे हैं ना प्रिजम्पशन के लिए, आप स्कोप छोड़ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। देखिए ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये देखना है कि चीफ मिनिस्टर इसको मैनेज कैसे करते हैं, ये डिनर डिप्लोमेसी बातचीत से कितनी बातें सॉर्ट आउट होती है, और ये आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा और क्लियर होगा। अत्रि साहब देखिए, कैलाश विजयवर्गीय को विधायक शिकायत करते हैं, मंत्री शिकायत करते हैं, चार मंत्री अलग से मीटिंग करते हैं। मुझे लगता है ज्योति कहीं ना कहीं मजबूरी है विधायकों की भी और मंत्रियों की, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो उन हालात में उनके पास दूसरा ऑप्शन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास सिवाय शिकायत करने के, हाईकमान के पास जाने कोई बचा हुआ नहीं है। हालात इस तरह के बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आने वाले हैं, लगभग एक साल के बाद चुनाव आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये डर कि चुनाव में जाके जनता को क्या कहेंगे, किन बातों को बोल के जनता से वोट मांगेंगे, क्योंकि जनता सवाल पूछती है। अभी तो आप मंत्री हैं, हो सकता है कि आप उन सवालों को डायरेक्ट फेस नहीं कर रहे, अभी तो आप मीडिया को यह कह के मना कर सकते हो कि मुझे जवाब नहीं देना, लेकिन जनता के सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हाँ। और वो आपके पास जवाब नहीं है, ये कारण है कि इस तरह का डर पैदा। संजय आहूजा जी, ये सवालों का डर है, ये पब्लिक के सवालों का डर है? बिल्कुल नहीं, ये पब्लिक के सवाल नहीं है, ये विपक्ष के सवाल है और अपने सवाल है। अरे विपक्ष भी तो पब्लिक की आवाज उठाता है भाई, विपक्ष का काम ही पब्लिक की आवाज उठाना है। संजय भाई की बात की ना, आप एक तो आप ऐसे मत कहिए ना। देखिए बात सुनिए, ये 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 कोई मुद्दा है कि मंत्री ने आपस में बैठक क्यों कर ली, मुख्यमंत्री ने भोजन क्यों दे दिया, ये क्या मुद्दा हुआ? ये आपको नहीं लगता सर? मुझे हंसी आती है ये ये हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को इस पर हंसी नहीं आती। अगर आपको हंसी आती है वो भी वाकई बहुत गंभीर बात है अपने आप में। अगर सरकार के मंत्री इस तरह से एकाएक बैठक करते हैं, उसके बाद एकाएक डिनर बुलाया जाता है, कारण आप लोगों के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आपको हंसी आना, ये पब्लिक को समझ नहीं आया, जनता को आपकी हंसी समझ में नहीं आई इस विषय को लेकर। जी मुझे ये बताइए, एकाएक आपके घर कोई गेस्ट आ गए, चैन करेंगे? सीएम के घर पे गेस्ट आ गए? घर है ये, घर सरकार है भाई, ये घर नहीं है। एग्जांपल दे रहे संजय आहूजा जी, ये कोई रिश्तेदारी निभा रहे हैं। वीरेंद्र चौहान साहब से भी हमने कहा था कि ये समय ही ऐसा है सर, सवाल पूछे जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय से शिकायतों की बात कर ली जाए, उसके बाद इस बैठक की बात कर ली जाए, और उसके बाद ही डिनर होता है, क्या सब इत्तेफाक है अपने आप में? मुझे मुझे ज्योति जी, हेलो जी, ज्योति जी हेलो, बताइए। और संजय जी का आवाज आ रही है? मैं एक बात मुझे हैरानी होती है कि हमारे मंत्रियों में आपस में इतना कोऑर्डिनेशन है कि बैठ के वो चर्चा कर रहे हैं किसी बात पर, किसी पॉलिसी पर। कांग्रेस और आईएनएलडी में ये तो कल्चर ही नहीं था। हाँ। कि आपस में कोई बैठे बात करे, मुख्यमंत्री जी भोजन नहीं दिया करते थे अपने कैबिनेट मंत्रियों को जी। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी सहज भाव से अगर बैठ के कैसे से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो विपक्ष को चिंता किस चीज की है? हम पब्लिक में, मैं तो नहीं, चिंता तो पब्लिक भी करती है उनके काम पर, जैसा कि अत्रि साहब ने भी कहा कि किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए, नकारात्मक असर ना पड़े, इसलिए मुद्दा जरूरी हो जाता है अपने आप में कि जनता के जो काम है अगर सरकार में ही अपने आप में संतोष नहीं होगा तो उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रंजिता जी, आप ज्योति जी ये देखिए कि इस प्रदेश के अंदर जो ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करते थे, आज सीएम साहब के नाक के नीचे छरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे चहेते नेता को माइनिंग में लगा रखा है और वो नोट बटोरा है, एक भी खबर एक भी बात ना उसके खिलाफ लगती है, ना उसका जो ये काला चिट्ठा है उसको उजागर करने लगती है। उसके उसके जिले के अंदर शरेआम ये लूट मची हुई है इस समय, और कोई भी इसको नहीं उठाएगा। उसको लगा रखा है कि भाई तू जितने नोट बटोर सकता है तो बटोर ले। दूसरी तरफ आपका कल आपके सामने आया कि 300 करोड़ घोटाला आरएनडी ने उसका उजागर किया है। आप देखिए कि हर जगह के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु है, वो क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर वहां पर जब इनकम टैक्स ऑफिसर लगाए जाते हैं तो 47 बच्चे जो है वो नान लोन के लगाए जाते हैं। जब एक क्लर्क की भर्तियां करते हैं तो एक ही शिफ्ट के सिर्फ शाम के बच्चे सिलेक्ट होते हैं 80%। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? दिन पर डिनर ट्रेल का चिंतन शिविर आपको याद होगा, एक तिहाई विधायक ऐसे रहे जो नहीं पहुंचे थे लंच के वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति, लेकिन अभी जैसे संजय जी कह रहे थे कि हमारे मंत्रियों के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है कि बैठ के आपस में विचार विमर्श करते हैं। संजय हाँ। जी आपको कोऑर्डिनेशन याद होगा अनिल विज साहब का और कैप्टन अभिमन्यु का राई स्कूल के मामले में, याद है या आप भूल गए? और सारी जनता ने देखा वो कोऑर्डिनेशन किस तरह से दोनों मंत्री एक दूसरे के ऊपर लाछन लगा रहे थे।
आपको याद होगा हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में लटक गई थी और विज साहब ने क्या बयान दिया था फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, आपको वो कोऑर्डिनेशन भी याद होना चाहिए। और दूसरी बात जो अभी एक बात आप कह रहे थे रंजीता जी के बारे में कि इन्होंने जो इलीगल माइनिंग का आरोप गलत लगाया है, संजय जी पहले आरोप की जांच करवा लीजिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि वो गलत है या सही है। ये इलीगल माइनिंग जो हो रही है किस मंत्री की सरपरस्ती में हो रही है पूरी जनता के सामने आ जाएगा। आरोप गलत है, आरोप गलत है, कहकर काम नहीं चलेगा। अगर विपक्ष ने आरोप लगाया है तो सरकार का कर्तव्य बनता है उस आरोप की जांच करवाना। विपक्ष के आरोपों को आप हवा में नहीं उड़ा सकते। आप अगर विपक्ष ने आरोप लगाया है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि उस आरोपों की जांच करवाई जाए और सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने लाई जाए। आप मुख्यमंत्री जी सदन में कह देते हैं कि जी नहीं, हम उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। आप यहाँ पे टीवी पे कह रहे हैं कि आपने गलत आरोप लगा दिया। अरे साहब, आप कानून बन गए हैं क्या? आप विपक्ष के आरोपों को सीरियस नहीं ले रहे? हैरानी होती है मुझे किस तरह से। और यही कारण है कि प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। आपने आपने आरोप तय कर दिया, आप जज बन गए क्या? अरे हम तो आरोप लगा रहे हैं, आप जांच करवाइए, आप जांच करवाइए। हम आपके मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा रहे हैं। चलिए इस विषय पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे, इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। राजीव रंजन जी, जिस तरह से चिंतन शिविर में लंच के टाइम पर बहुत सारे विधायक ऐसे थे जो नहीं पहुंचे थे, अब डिनर बुलाया गया है, हालांकि सभी मंत्री पहुंचे हैं, लेकिन किस स्थिति में किस समय ये डिनर बुलाया गया, ये देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चिंतन शिविर जो इनका था, चिंतन शिविर का नाम दिया गया था, लेकिन इसके पीछे को ऑब्जेक्टिव था कि जितने हमारे विधायक हैं, मिनिस्टर्स हैं, हम आपस में बैठ करके दो दिन दो रात इसको पूरी जोर शोर तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाए और उस पर हम लोग काम करें, जिसको इन्होंने विजन 2030 जो बनाया हरियाणा के लिए उस पर काम करें। चिंतन शिविर के तुरंत बाद इस प्रकार का मीटिंग करना कुछ क्वेश्चन तो रेज करता है। अब यह भी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी या संजय आहूजा जी अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट हैं, वो इस बात को एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन में इसका जो मैसेज जा रहा है वो नेगेटिव मैसेज आ रहा है कि चिंतन शिविर में जो 40-42 लाख रुपए खर्च हुए वहां क्या चिंतन हुई, किस बात पे चिंता हुई और फिर अब किस बात पे चिंतन हो रही है, ये थोड़ा सा इसमें मिसमैच है। लेकिन पब्लिक निटिग्रिटीज में नहीं जाती है, पब्लिक सीधी बात समझती है, वो सीधी बातें करते हैं, उनको लगता है कि ये क्या है। लेकिन आज देखिए, विपुल गोयल जी से एक डेलीगेशन भी चाइना के मिलने आए थे, उस पर भी उन्होंने चर्चा नहीं की, उस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं और भारतीय जनता पार्टी में ये प्रॉब्लम है, ये तो फैक्ट है जी। जादौन साहब, अगर सब कुछ ठीक नहीं है सरकार में तो क्या मानकर चला जाए किसी तरह का बदलाव संभव है, हालांकि गुंजाइश बहुत कम है? देखिए, सरकार में ठीक नहीं है और कैलाश विजयवर्गीय जी को मंत्रियों ने शिकायत की है और उसी का परिणाम है कि डिनर हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने, ये स्मेल है कि ये कोई बयान नहीं देता है इसका, कोई भी ना पार्टी का नेता बोलेगा ना कोई मंत्री बोलेगा, वो सब अंदर कवरअप में काम करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के पास पहुंचे और कैलाश विजयवर्गीय जी ने उनको ये कहा कि आप इनको सबको विश्वास में लीजिए, तो ये कोई किसी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी पर डिस्कशन नहीं है, ये सीधी सीधी डिप्लोमेसी है और कैलाश विजयवर्गीय जी के निर्देश पर ही ये सारे मंत्रियों को बुला के समझाने का प्रयास किया गया। तो रिफ्ट जो है साफ साफ दिखाई देती रही है। मेरे को थोड़ा सा सुना नहीं, आवाज कट रही थी आपकी, बताइए क्या तो? विश्वास में ले जाने की कोशिशें हैं सभी मंत्रियों को सीएम की ओर से इस डिनर के जरिए, आखिरी जवाब? बिल्कुल नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास में भी नहीं लेंगे, बिल्कुल हिटलरिज्म ऐसे ही चलता रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इससे बड़ी बात हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा आखिरी कमेंट है और ये चलिए ठीक है, ये चर्चा का भी आखिरी कमेंट है। सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो चर्चा ये कि क्या डिनर जो बुलाया गया है, किस तरह की डिप्लोमेसी की गई है उसके जरिए, क्या किसी तरह का डर है उसके पीछे? फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।